चूंकि मैं अपने बेटी की वजह से ही यहाँ आया हूँ, इसलिए मैं पहले उन्हीं लोगों के ऊपर लिखने की कोशिश किया कि बेटियाँ क्या हैं हमारी ज़िंदगी में और इनका महत्व क्या है। बेटे और बेटियों में कोई अंतर नहीं है, जैसा कि मैंने सुनाया भी, आती हैं जिंदगी में वरदान की तरह। बेटियाँ जब भी हमारी ज़िंदगी में पैदा होती हैं तो एक वरदान होती हैं हमारे लिए। आती हैं जिंदगी में वरदान की तरह, न समझो बेटियों को मेहमान की तरह। इनसे ही जग है रोशन अरमान की तरह, न समझो बेटियों को मेहमान की तरह। इनसे जहां की खुशियां इनसे बहार है, इनसे जहां की खुशियां इनसे बहार है, यही फूलों की खुशबू इनसे बहार है। कर देती जिंदगानी त्योहार की तरह, न समझो बेटियों को मेहमान की तरह। याद करो सीता और अहिल्या को, याद करो सीता और अहिल्या को, लक्ष्मीबाई सती सावित्री और कौशल्या को। पूजी जाती हैं बेटियां भगवान की तरह, न समझो बेटियों को मेहमान की तरह। हैं बाबुल की ये परियां माँ के आंखों का तारा, हैं बाबुल की ये परियां माँ के आंखों का तारा। अंदाज है अनोखा भाई भी है इनको प्यारा। बदल देगी सारी दुनिया करामात की तरह, न समझो बेटियों को मेहमान की तरह। बेटियों को सीमित करके मत रखिए, उड़ने दीजिए, उन्हें उड़ान दीजिए जीवन का, उस बेस्ट करके दिखाइए। न समझो इनके आन को चूड़ियों की खनक तक, न समझो इनके आन को चूड़ियों की खनक तक, न रखो इनको सीमित फूलों की महक तक। टूटती हैं दुश्मनों पे सिहनाद की तरह, न समझो बेटियों को मेहमान की तरह। आप लोगों ने देखा होगा कि कारगिल की लड़ाई में बहुत से हमारे योद्धा सीमा पे शहीद हो गए और वापस आए, जिनको अर्थी देने के लिए कोई नहीं था। उस समय भी हमारी बेटियां हमेशा आगे रही और बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया। देती अर्थी को कंधा, देती अर्थी को कंधा बाबुल की शहादत पर। आंखें न होती अश्रु में किसी भी कयामत तक। कुछ कर गुजरने की चाहत आसमान की तरह, न समझो बेटियों को मेहमान की तरह। ये अंतिम लाइन है। एक दिन तो बेटियों को जुदा होना ही पड़ता है। जब होंगी विदा घर से एक दिन रुलाएंगी ये, जब होंगी विदा घर से एक दिन रुलाएंगी ये, जिंदगी होगी दो पार्ट कुछ ना भुलाएंगी ये। दो हिस्सों में जिंदगी बंट जाती है बेटियों की। जब होगी विदा घर से एक दिन रुलाएंगी ये, जिंदगी होगी दो पार्ट कुछ ना भुलाएंगी ये। हो जाएगी बाबुल की जिंदगी श्मशान की तरह, न समझो बेटियों को मेहमान की तरह। थैंक यू।